फर्स्ट प्रश्न ये है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारत के सिक्किम राज्य में एक झील है जिसे बोलते हैं चुलाहू झील। कौन सी झील? चुलाहू झील। कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में पाई जाती है। किस नदी वहाँ से निकलती है, किस नदी के निकट वो झील पाई जाती है? तो सिक्किम की जो झील मतलब जो नदी है तिस्ता नदी, जिसे लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है, उसके पास में सर्वा यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर चुलाऊ झील सिक्किम में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत की सबसे लंबी झील किस झील को कहा जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे आपका लेखपाल हो या आपका एसआई हो, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बनाड झील, जो कि किस प्रदेश में है? तो आपके केरल में पाई उपस्थित है या पाई जाती है, स्थित है कहने का मीन्स। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सभी लोग जानते होंगे कि जो उड़ीसा की चिल्का झील है, और जो भारत की सबसे बड़ी झील कही जाती है वो कौन है? चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी झील है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका दोस्तों कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पर भी आंसर क्या है आपका? चिल्का झील। और चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है और ये एक प्रकार की लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, तो आपका आंसर होगा चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी के लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक नदी गुजरती है जिसके बीच में झील स्थित है, तो वो आपकी कौन सी? यहाँ पर रिवर है तो वो आपकी झेलम। झेलम जो नदी पर बुलर झील आपको देखने को मिलती है, और जो किस राज्य में है? तो आपके जम्मू कश्मीर में है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।